अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DIY एंड मोर। पहले हम फ्लास्क को स्प्रे करके उसको साइड में कर देंगे, फिर उसके बाद तीन कैनवस को आपस में स्टिच कर देंगे। नेकलेस का बेस अब हमारा रेडी हो गया है। अब हम नेकलेस बनाएंगे। डोरी लेंगे, डोरी में धागा अटैच करेंगे और उससे नॉट बना देंगे। फिर इसमें एक पर्ल ऐड कर देंगे और एक एक करके ट्यूब रोजेस ऐड करते जाएंगे। ट्यूब रोजेस को हल्का ट्रिम कर लेना है। धागे को हमें कैनवस में स्टिच कर देना है। यही सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड पे भी रिपीट करेंगे। अब हम बेस पे फ्लास्क स्टिक कर देंगे। फ्लावर्स अच्छे से स्टिक हो गए। अब उस पर पर्ल ऐड कर देंगे। हॉट ग्लू की हेल्प से पर्ल को स्टिक करते जाएंगे। नेकलेस की बैक साइड को आप कवर कर लेंगे, हॉट ग्लू लगाएंगे और कैनवस सर्कल को स्टिक करते जाएंगे। हमारा नेकलेस रेडी हो गया है। अब हम मांग टीका बनाएंगे। धागा लेंगे और हुक के अंदर अटैच कर देंगे। दो नॉट वन के सिक्योर कर लेंगे और एक पर्ल ऐड कर देंगे। बस ट्यूब रोजेस एक एक करके ऐड करते जाना है। धागे को कैनवस पे स्टिच कर देंगे। हॉट ग्लू की हेल्प से अब हम फ्लावर को स्टिक कर देंगे। सेंटर में एक पर्ल ऐड कर देंगे। अब हमारा मांग टीका रेडी है। अब हम हाथ फूल बनाएंगे, जिसके लिए हम ज्वेलरी वायर लेंगे और प्लायर लेंगे। प्लायर की हेल्प से एक एंड को कर्व कर देंगे और वायर पे वैसलीन लगा लेंगे। वायर को शेप देने के लिए वही स्प्रे बॉटल हम लेंगे और उसकी हेल्प से वायर को हल्का कर्व कर लेंगे। एक पर्ल ऐड करेंगे और फिर ट्यूब रोजेस को ऐड करते जाएंगे। अब हम सेंटर में फ्लावर ऐड करेंगे और फिर से ट्यूब रोजेस ऐड करेंगे। एंड में फिर से एक पर्ल ऐड करेंगे और वायर को कर्व कर देंगे। ये हमारा बेसिक ब्रेसलेट बन गया है।
अब हमें इसे हाथ फूल बनाना है तो हम दो कैनवस लेंगे, कैनवस को स्टिच करेंगे और एक एक करके ट्यूब रोजेस को ऐड करते जाएंगे। अब इसे सेकेंड कैनवस पे स्टिच कर देंगे तो ये हमारे रिंग का बेस बन जाएगा। हॉट ग्लू लगा के हम रिंग के बेस को स्टिक कर देंगे। इसे और सिक्योर करने के लिए कैनवस थोड़ा सा कट करके इस पर स्टिक कर देंगे। अब जो साइड एम्प्टी है जिधर हमने रिंग नहीं लगाई उसे ब्रेसलेट पे स्टिक कर देंगे। अब रिंग पोर्शन पे हम फ्लावर स्टिक कर देंगे। फ्लावर के सेंटर में हम पर्ल्स ऐड कर देंगे। दोनों एंड में रिबन अटैच कर देंगे। हम इयररिंग्स बनाएंगे, कैनवस लेंगे, उसमें दो ट्यूब रोजेस और एक पर्ल को स्टिच करेंगे। ईयरिंग हुक ऐड करेंगे और ईयरिंग हुक पे नॉट बांध देंगे। जो पर्ल हमने पहले ऐड की थी उसी पर्ल के थ्रू धागे को वापस पास कर लेंगे। अब उसमें दो ट्यूब रोजेस ऐड करके हम कैनवस स्टिच कर लेंगे। ये हमारा ईयरिंग का बेस रेडी हो गया है। फ्लावर को कैनवस पे स्टिक कर लेंगे और उस पर एक पर्ल को स्टिक कर देंगे। हमारी ईयरिंग्स रेडी हो गई है।